तो जब श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करने लगे तो उन लीलाओं का श्रवण करके जितने भी ऋषि मुनि थे वो अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ चुका था। और उसी के कारण धरती मैया त्रस्त होकर गौ स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उन्हें चिंता थी उन जीवों के बारे में जो धरातल पर आश्रय ग्रहण कर चुके थे और आसुरी प्रवृत्तियों से बहुत परेशान थे। वैसे तो धरती माता के पास स्वयं शक्तियां होती हैं, जिन शक्तियों से जितने भी दुष्ट कर्मी होते हैं वो उन्हें परास्त कर देती हैं। लेकिन इस बार आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, उनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि धरती भूमि देवी जो हैं वो भी असक्षम हो गई थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को फोन लगाया तो ब्रह्मा जी का लाइन बिजी आ रहा था। उन्होंने सोचा कि पर्सनली जाकर मिलना चाहिए। तो धरती मैया ने अपनी गाड़ी निकाली ब्रह्मलोकयान, जिसे चंद्रयान हमने भेजा है ना अभी, श्री हरिकोटा से धरती मैया ने लॉन्च किया अपने आप को ब्रह्मलोकयान में और सीधे जाकर ब्रह्मा जी के लोक में पहुंची। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भूमि देवी आई हुई हैं तो तुरंत उनका ध्यान उनके तरफ गया। उन्होंने उनसे सारी वार्ता जान ली। और अपने तेज बुद्धि से इस निर्णय पे पहुंचे कि आसुरी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उन्हें भगवान से याचना करनी पड़ेगी। तो शायद ब्रह्मा जी के कैलकुलेशंस के अनुसार उन्होंने जो कुछ विचार किया होगा सोच समझ कर, आसुरी समाज इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि साक्षात वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी, उन्होंने भी धर्म को संकट में पाया। तो भगवान खीर सागर में विराजमान रहते हैं, भूमि देवी के साथ ब्रह्मा जी और साथ ही साथ उन्होंने बाकी देवताओं से भी ऑनलाइन चैट किया और कहा कि सबके सब आ जाओ। मीटिंग फिक्स किया
भगवान विष्णु के साथ। किस संदर्भ में मीटिंग था? जन्माष्टमी मनानी है, कृष्ण का जन्म होना चाहिए अभी। लेकिन समस्या ये थी कि अगर उन्हें यह समारोह मनाना है तो पहले कृष्ण को राजी करना पड़ेगा, भगवान नारायण को तैयार, उसके लिए उनकी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबके सब पहुंच गए खीर सागर पर। तो ब्रह्मा जी ने फिर फेस टाइम किया भगवान विष्णु को, वहां से उत्तर मिला यहां की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़े समय के बाद पुनः प्रयास करें। ब्रह्मा जी समझ गए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तो बात होगी नहीं, भगवान भी बहुत बिजी रहते हैं ना, इतने टीवी चैनल उनके यहाँ आते हैं उनका प्रोग्राम करने के लिए, सबको टाइम दे के रखे हुए हैं। खीर सागर टेलीकम्युनिकेशंस पूरी तरह से व्यस्त, कभी कभी लोगों को लगता है कि हम ही व्यस्त हैं यहाँ पर, हमारे पास इतने फोन कॉल, हमारे पास तो पूरे ब्रह्मांड का समाचार जिनके पास पहुंचता है, सोचिए कितना व्यस्त होंगे वो। तो ब्रह्मा जी ने फिर उस लाइन पर भगवान को कनेक्ट किया जो आपातकालीन स्थिति में जिसका प्रयोग करने के लिए भगवान ने उन्हें परमिशन दिया था कि आपातकालीन स्थिति हो तो आप इस चैनल पर हमें कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और उस चैनल का फोन जो है, डायल पैड जो है, ब्रह्मा जी के हृदय में था। तो ब्रह्मा जी ने अपने निर्मल मन से उस डायल पैड पर भगवान विष्णु का नंबर डायल किया। कनेक्शन लग गया, हॉटलाइन था ना। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी, हम जानते हैं आपने फोन क्यों किया, ब्रह्मा जी को लगा शायद रिकॉर्डेड मैसेज है, कभी कभी रिकॉर्डेड मैसेज आता है ना, और कहीं पे फोन करते हैं, हमारे सारे एजेंट अभी व्यस्त हैं लेकिन आपका कॉल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया आप कॉल पर ही रहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी यह अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि भगवान विष्णु इतने स्पष्टता से उनसे तुरंत, मतलब पहले ही लाइन में, पहले ही शब्दों में इतनी स्पष्टता से उन्हें बता देंगे कि सब कुछ ज्ञात है। ब्रह्मा जी ने पूरी तैयारी की थी, पूरा फोल्डर तैयार किया था, क्यों भगवान ने अवतार लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि पहले सेटिंग करता हूँ, पूरी तरह से समझाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने जब कॉल किया भगवान को हॉटलाइन पे, तो भगवान ने फास्ट ट्रैक कर दिया उनको, उनका एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक लेन में चला गया, मतलब तुरंत। भगवान ने कहा, सब कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, शुरू की जितनी भी जांच पड़ताल है वो हमने कर ली है, हमें पता है कि आप फोन क्यों कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो,
यह है धरती भूमि देवी। गौ स्वरूप धारण के भूमि देवी जब वहाँ पहुँची, वहाँ पर मतलब सामने आई, तो भगवान जो गोपाल नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तुरंत उन्होंने भूमि देवी को आश्वस्त किया, क्षमा कीजिएगा, तुरंत भूमि देवी को आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने SMS किया। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय के स्क्रीन पर देखा SMS। सारे देवताओं से कहो कि सब नंद महाराज के गोकुल में अवतरित हो जाए। जितने भी देवी देवता थे वो तुरंत रिसर्च करने लगे कि नंद बाबा को गोकुल है कहाँ और ये नंद बाबा हैं कौन। तो मैंने पता चला कि गोकुल जो है श्री गोकुल जमुना के तीर पर तट पर है मथुरा जिला में। समझ गए कि भगवान की रणनीति क्या है। मथुरा उस समय सारे दुष्टों की राजधानी थी और वहां का सरताज कंस खुद को राजा कहता था लेकिन एक नंबर का चोर था, बदमाश। अब बदमाशों के भी कुछ नियम होते हैं, बदमाश अपने दोस्तों को कभी हानि नहीं पहुंचाते लेकिन उनको जोर जबरदस्ती से दूसरों को चोट पहुंचाने पर मजबूर करते हैं। तो ये बदमाशों का सरताज। उसने एक सेना मंडल स्थापित किया था, कंस स्तुति मंडल। इस मंडल में वो सब सदस्यता प्राप्त कर सकते थे जो कंस की स्तुति करें। KSM किन किन को सदस्यता प्राप्त थी, बड़े बड़े पहुंचे बदमाश उसमें सदस्य थे। सबसे पहले उनका ससुर जरासंध, जरासंध को जीवन प्राप्त था एक डायन की वजह से। जरा नाम की एक बहुत ही विचित्र प्राणी थी, कुछ राक्षसी थी और कुछ चुड़ैल। वैसे तो चुड़ैल होने के नाते दूसरों का खून चूसना उसे अच्छा लगता था, राक्षसी होने के नाते दूसरों का मांस खाना अच्छा लगता था, लेकिन किसी प्रकार से इस शिशु को उसने प्राण दिए। सिर्फ उसके जान नहीं बख्शी बल्कि उसको प्राण प्रदान किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो कर रही है। अनजाने में उसने शिशु को प्राण दे दिए तो शिशु जब जीवित हो उठा, मृत शिशु था, उसका शरीर दो भागों में विभाजित था। तो कभी कभी हमारे पास हम लोग जब हमें कुछ मिलता है ना तो हम उसको जोड़ने लगते हैं कि ये यहाँ पर जुड़ेगा कि ये यहाँ पर जुड़ेगा, तो ऐसे जोड़ने का खेल खेल रही थी वो उसके साथ, शरीर के दो भाग। अचानक दोनों जोड़ जो है ऐसे जुड़ गए कि उसमें
जीवित हो गया वो शिशु, तो उसके मन में भी ममता आ गई, मतलब ऐसी राक्षसी के मन में ममता उजागर हो गई। उसने कहा मैंने शिशु को जन्म दिया है तो इसका खून नहीं चूसूंगी और ना ही इसका मांस खाऊंगी, क्या करूंगी। तो उसने अपनी शक्ति उसके अंदर डाउनलोड कर दिया उस शिशु में। होता है कभी कभी आप अपनी शक्तियां किसी और को प्रदान कर सकते हैं, जैसे आप बैंक बैलेंस किसी को ट्रांसफर कर देते हो ना, तो आपकी आर्थिक शक्ति किसी के और के पास पहुंच जाती है। तो जरा ने अपनी बहुत शक्ति जो है इस शिशु को दे दिया। वैसे ये शिशु एक राजकुमार था, कंस के ससुर के बारे में बात करें, जरासंध के बारे में, लेकिन जिस नगरी का वो राजकुमार था, मगध, कई पीढ़ियों से मगध पर खाली बदमाशों का राज्य चल रहा था। अब धरती इसीलिए तो पहुंची थी ब्रह्मा जी के पास कि सब जगह बदमाशी बदमाश लोग थे। मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे कि हर राज्य उस समय धरती पर उसको डेजिग्नेटेड कर दिया गया था कि ये टेररिस्ट स्टेट है। आतंकियों का स्थान मगध प्रसिद्ध आतंकियों के ट्रेनिंग का सेंटर था मगध। तो ये राजकुमार, जैसे राजा और रानी को पता चला कि राजकुमार जीवित है, वो तुरंत दौड़े हुए आए। जरा ने देखा कि अच्छा इसने जन्म दिया, ये जन्मदाता, ये जननी है। तो जरा ने कहा देखो ये मुझे बड़ा प्रिय है, इसमें मैंने अपनी शक्ति डाउनलोड कर दी है, ये आगे चलकर बड़ा नामी चोर बनेगा, बड़ा नामी बदमाश। आतंकियों की गैलरी में इसका नाम सबसे आगे आएगा। तो ये था, ये जरासंध, ये कंस का ससुर। दहेज में उसने कंस को क्या दिया? आतंकी शक्ति, कि दामाजी मचाओ धम यहां पे, कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए, बैकअप के लिए हम हैं ना। तो रोज रात को कंस के यहां पर मौत का नृत्य होता था। कैसे जितने भी पावन शक्तियां हैं इस जगत में उनको नष्ट किया जाए। जरासंध, शिशुपाल, शिशुपाल तब तक जन्मा नहीं था, तो बाद में आया उनके गुट में, पूतना, बकासुर, तृणाव्रत, पता नहीं ये सारे दुष्ट आत्माएं एक साथ उस समय कैसे धरती पर आ गए। धरती में कोई बात थी कि सबके सब उस समय पहुंच गए कि यहां पर आकर लूटेंगे धरती को, उसका शोषण करेंगे। शायद जीडीपी काफी अच्छा होगा उस समय, लूटने आ गए सबके सब। मतलब ब्रह्मांड के कोने कोने से सबके सब पहुंच गए। चलो धरती अभियान, कंस ने सबको अपने मंडल में भर्ती कर लिया था, कंस स्तुति मंडल।
और जो भी योजनाएं वो बनाता उनके माध्यम से वो उस आतंकी योजना को बढ़ावा देता। तो सारे देवता समझ गए कि प्रभु जो हैं उन्होंने बहुत सोच समझकर स्थान नियुक्त किया है हमारे वहाँ पर जन्म लेने का। देवी देवता सब सोच रहे हैं, तो सब देवी देवता भर भर कर आ गए मथुरा में। हमारे नारद मुनि जी ने तुरंत ईमेल कर दिया कंस को कि कंस आपका उल्टा समय शुरू हो गया। कंस ने कहा नारद मुनि आप हमेशा मुहावरों में बात करते हैं, कभी आइए आमने सामने बात किया जाए। नारद मुनि ने कहा कि अभी तो मैं ब्रह्मांड के किसी कोने में बिजी हूं, कुछ समय बाद आता हूं। तब तक अवसर मिला कंस को अपनी बहन की शादी करवाने का, चचेरी बहन थी। कंस ने सोचा इस शादी में इतने सारे गठबंधन बनाऊंगा मैं। शादी तो ठीक है, वो तो एक सिर्फ जरिया है, माध्यम है। बड़े बड़े पहुंचे पहुंचे चोर उच्चकों को बुलाऊंगा और सबके सामने ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि सब कंस स्तुति मंडल में भर्ती हो जाएंगे। उस विवाह में वो आकाशवाणी हो गई, मूर्ख कंस। ये उपाधि प्राप्त करके कंस को बड़ा गुस्सा आया, किसकी हिम्मत है कि मुझे मूर्ख बोले। इधर उधर देखने लगा लेकिन आसमान में कोई दिखे नहीं, आकाशवाणी थी ना। तेरी बहन का आठवां पुत्र जो है वही तेरा काल है, मृत्यु। कंस को, कंस चाहता तो बोल सकता छे छे काय तेरी काय बनता है, ऐसा बोला नहीं उसने। कंस बड़ा हमेशा गंभीर रहता था, दिखाता था कि मैं बहुत गंभीर हूं, एक नंबर का बदमाश था लेकिन दिखाता था बहुत। तो तुरंत बहन को पकड़कर तलवार निकालकर उसके गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। किसकी मजाल कि कोई कह दे कि मेरी मौत है। तो वसुदेव जी जिनके साथ उनकी बहन देवकी का विवाह होने वाला था उन्होंने कंस को मीठी मीठी बातों से रोक लिया कि देखो बाबा कंस आज ऐसा करोगे लेकिन आने वाले 25-50 साल तक लोग यही बात करेंगे कि इसने बहन को मार दिया, बहन को मार दिया, बहन को मार दिया, जबकि बहन इसको मारने वाली नहीं थी, बहन का बेटा मारने वाला था ना। तो कहीं पर भी कहीं किसी भी समारोह में जाओगे तो सब यही कहेंगे बहन का कातिल, कंस का जय हो, अच्छा नहीं लगेगा। अरे आपको तो जिससे भय है वो तो देवकी का अष्टम पुत्र है ना, तो आठवां क्या, जितने भी उसके पहले 7 पुत्र 7 संतान होंगे सब आपके हवाले कर देंगे। कंस ने कहा नहीं 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 मुझे क्या समझा, पापी समझा है, मैं पापी नहीं हूं कि 7 बच्चों को मार दूं मैं। ये आठवां बड़ा दुष्ट है, दुष्ट मुझे जैसे नेक इंसान को मारने आ रहा है, तो ऐसे दुष्ट लोगों का अंत करना चाहिए, इसलिए ये जब जन्म लेगा तो मैं इसका अंत कर दूंगा, बाकी 7 के 7 तुम खुश रहो। तुम भी क्या याद रखोगे बहनों जी, जीजू।
वसुदेव ने भी बोला हाँ साले जी बिल्कुल। देवकी को लेकर तुरंत वसुदेव जी वहां से गायब हो गए। उन्होंने कहा रिसेप्शन रिसेप्शन कुछ नहीं करेंगे भाई। कोई भरोसा नहीं कंस का। अब वही समय था जब नारद मुनि ने कंस से कहा हम आ रहे हैं। कंस ने कहा पधारिए, एक वन ऑन वन फेस टू फेस मीटिंग हो जाए आपके साथ, मुहावरों में हमेशा बात करते रहते हैं आप। नारद जी वहां पे पहुंचे। अब नारद जी जानते थे कि अगर भगवान अवतरित हो रहे हैं तो किसकी मजाल कि भगवान के परिवार को कोई उनके परमिशन के बिना चोट भी पहुंचा सके। तो नारद मुनि पहुंचते ही कंस को कहते हैं कंस जी आपके लिए फूल। कंस ने कहा क्यों? नहीं मतलब फूल के लिए फूल है फिर मुहावरा। महाराज कंस वो श्रेष्ठ दुष्टात्मा, कंस का भी शब्दकोश इतना कम था कि उसे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। हाँ नारद जी और गुणगान कीजिए हमारा। इस पुष्प में 8 पंखुड़ियां हैं, आप समझा सकते हो कौन सा पहला कौन सा आठवां है? कंस ने कहा क्या बात है वाह, गणित में हमें भी हंस पूरे मिले थे आउट ऑफ 100 में से 100, ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो ये 1 ये 8 ना। वो तो आप अपनी तरफ से गिन रहे हो, मेरी तरफ से अगर गिनोगे तो कौन सा 8 होता है? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आपकी तरफ से गिनेंगे तो यहां 8वां आ गया, और अगर आपकी बाईं तरफ से गिनोगे तो कौन सा 8वां है? अरे क्या खेल खेल रहे हो नारद मुनि, क्यों मुहावरों में बात कर रहे हो? वही तो समझा रहा हूं कंस, कौन सा पहला है कौन सा 8वां है, जब इस फूल में तुम निश्चित नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कैसे पता है कि अष्टम कौन सा है? कंस ने कहा क्या बड़ी ज्ञान की बात बोल दी आपने, अरे बाप रे ये तो बड़ा सिद्धांत है, कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए लगता है कि आप सही बोल रहे हो। कंस जैसे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो उनको लगता है भगवत गीता बोली गई, गीता का ज्ञान। अर्जुन विपरीत है, जब उन्हें बात समझ में नहीं आई तो और प्रश्न पूछा कृष्ण से। कंस अलग ही है। सही बात है नारद मुनि, सही बात है, समझ में आ गया, मतलब कौन अष्टम हो पुत्र होगा देवकी का पता नहीं। अरे मूर्ख, देवकी कोई फूल है क्या कि सारे पंखुड़ियां गोल, लेकिन कंस है ना, थोड़ा सा उसके डर के चैनल को आपने छेड़ दिया कि महाभय उसके मन में आ जाता है। तुरंत देवकी वसुदेव को जेल में कटघरे में डाल दिया और कहा कि हर एक संतान को आप मेरे पास पहुंचाइए। वसुदेव जी ने कहा ठीक है। पहली संतान हुई, नाम रखा कीर्तिमान, सोचा नाम रखा है कीर्तिमान तो इससे कुछ लाभ मिलेगा इस शिशु को। कंस रुका भी नहीं, वो तो दौड़े हुए सीधे कटघरे में आ गया। वसुदेव जी ने कहा आप तो बिल्कुल अतिथि हो, बिन बुलाए मेहमान, मतलब हमसे कहा था कि लेकर आओ, आप स्वयं पहुंच गए यहां पर महाराज। कंस ने कहा आप हमारे जमाई राजा हैं, आपको थोड़ी कष्ट देंगे, हमारे यहां पे भी कोई संस्कृति है, दामाद को कष्ट नहीं दिया जाता, हम दामाद के पास पहुंचते हैं। कहां है आपके संतान? वसुदेव जी अपने शिशु को ले आए कि कंस मामा का चेहरा देख लो बेटा, पता नहीं क्या भाग्य लेकर आए हैं कि पहला चेहरा किसी रिश्तेदार का देख रहे तो मामा, वो भी कंस।
ले आए। छोटे से शिशु को दोनों पैरों को उसने अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ लिया और उठाकर जोर से पटका। उस शिशु को पता भी नहीं चला कि उसके प्राण कब निकल गए। अट्टहास करने लगा कंस, माने जैसे को बहुत शौर्य का काम किया। आतंकी लोग ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल बुजदिल दर्पोक जैसे कार्य करते हैं, लेकिन फिर अट्टहास करते हैं कि हाँ हमने कितना महान कार्य कर दिया। देव की माँ तो मूर्छित गिर गई। कभी ऐसे ना तो कभी मतलब किसी कहानी में भी नहीं पढ़ा था कि ऐसे किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है। ये तो साक्षात अपने आंखों के सामने उन्होंने देख लिया। उनका हृदय फट नहीं गया, ये तो भगवान की कृपा थी। उन्हें क्या पता था कि ऐसे दृश्य उन्हें एक एक करके 6 बार देखने पड़ेंगे। अब 8वां पुत्र जो है देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, तो वो वहां से तुरंत देवकी के गर्भ से प्रकट होते ही उन्होंने वो ट्रांसफर ऑर्डर्स लेकर आए थे साथ में। देवकी मैया ने कहा, देखे यहां पर पहले से ही काफी प्रकोप है कंस का, आप कहीं और आप ट्रांसफर हो जाइए। भगवान ने भी सोचा, देखो यहां पर आते ही सबसे पहले जो नौकरी मिली वो भी ट्रांसफरेबल, तो उसके बाद उनका ट्रांसफर का सिलसिला चलते रहा। वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, द्वारका से हस्तिनापुर, फिर वापस द्वारका। परमानेंट जॉब कभी उनका मतलब एक ही स्थान पर हुआ ही नहीं भगवान का। भगवान आए मथुरा से, आते ही यात्रा शुरू कर दी। मानो जैसे कि अपने भक्तों से कहते हैं कि जीवन में यात्रा ही तीर्थ यात्रा करते रहो हमेशा। नहीं तो भौतिक यात्रा में फंस जाओगे। यात्रा जमुना पार, मथुरा से सीधे पहुंच गए गोकुल। गोकुल में यशोदा मैया को ज्ञात ही नहीं हुआ कि वसुदेव जी मनी एक्सचेंज करने आए, डॉलर देकर रुपया लेने आ गए। माता यशोदा बेहोश थी, अभी अभी जन्म उन्होंने भी दिया था, प्रसूति गृह में थी। सन्नाटा पूरे नंदगांव में, मतलब वसुदेव जी आए हैं किसी को पता भी नहीं चला। घनघोर वर्षा, अक्सर जो कुत्ते रात भर अनजान कोई व्यक्ति आ जाए जो चिल्लाते हैं भौंकते हैं, वो भी छुप कर बैठ चुके थे, इतनी वर्षा हो रही थी। चरण चिन्ह वसुदेव जी के सब जो है बह गए। वसुदेव जी ने अपने देवकी के पुत्र जो हैं कृष्ण, उनको वहां पर रखा यशोदा के बगल में। यशोदा मैया को ज्ञात भी नहीं है, और उनकी कन्या उठाकर पहुंच गए मथुरा। कंस जो अभी तक निद्रावस्था में था, अचानक उठा और मन ही मन समझ गया कि जन्म हो चुका है, तुरंत कटघरे में पहुंचा। टू लेट, काफी देरी हो चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था। तो उसने देखा कि अरे कन्या है, उसे भी थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या है, कन्या आकर मुझे मारेगी। लेकिन डर क्या है, डर किसी चीज में भेद नहीं रखता, डर खाली एक ही चीज जानता है कि जो भी उसे डर पहुंचा रहा है उसको नुकसान पहुंचा।
तो उस कन्या को उठाकर पटकने का प्रयास किया, कन्या तो हाथ से फिसलकर अंतरिक्ष में दिव्य स्वरूप धारण करके उसे श्रापित करते हुए डांटते हुए वहाँ से लुप्त हो गई कन्या। अब कंस बेचारे परेशान, कहाँ गया। वसुदेव जी ने कहा, कौन कहाँ गया, जो जिसने जन्म लिया था वो तो आपके सामने गायब हो गए, हमने भी देखे, हमें भी नहीं पता, नहीं हमें क्या पता वो कहाँ गई। कंस ने कहा कि नहीं गई नहीं गया। वसुदेव जी ने कहा, क्या बोल रहे हैं आप, अरे उसी ने तो कहा कि तुम्हें जो मारने वाला है कहीं और पहुंच गया। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखिए ये सब हमें पता नहीं, हम तो यहाँ पर कटघरे में कब से बंदी बन के बैठे हुए हैं। तो कंस ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और खास करके खेचरी, एक बहुत ही भयानक और क्रूर चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैलों में जो पीएचडी कर लेते हैं ना उनको खेचड़ी कहा जाता है, तो ये पीएचडी चुड़ैल थी, नाम था उसका पूतना, कुछ और नाम होगा लेकिन लोग अभी भूल चुके हैं, उसका कोई कुछ और नाम भी था, अब फेमस हो गई पूतना नाम से, माता पिता ने जो नाम दिया था किसी को याद नहीं है। उसने कहा कंस ने, जाओ और जहां पर भी कोई शिशु दिखे मार डालो। किसी प्रकार से वो पहुंच गई गोकुल, वहां पर इस नन्हे से शिशु ने उसके प्राण हर लिए। समाचार कंस के पास पहुंची, पूतना इज नो मोर। कंस बेचारा आंसू बहाने लगा, लोगों ने देखा अरे बाप रे कितना प्रेम करता है पूतना से, डर के आंसू थे वो। हाय ये क्या हो गया, पूतना मर गई, किसने मारा, सबने कहा पता नहीं, उसका मृत शरीर जो है फैला पड़ा हुआ है गोकुल से लेकर मथुरा के बीच में, 8 मील लंबा शरीर उसका, 12 मील लंबा। कंस को बहुत डर लग गया, उसने एक विचित्र असुर को बुलाया। इस असुर को सूक्ष्म रूप में रहना बहुत अच्छा लगता था, मतलब भूतिया असुर था, और कहीं पर भी वो प्रवेश कर सकता था किसी भी वस्तु में। तो एक टेबल में शकट प्रविष्ट हो गया जहां पर यशोदा ने अपने शिशु को रखा हुआ था। यशोदा मैया ने सोचा कि यहां पर थोड़ा आराम कर लेगा, वहां पर जाकर उसने ये उसके अंदर घुस गया उस टेबल में, और ऊपर का जो टेबल का हिस्सा था अपनी शक्ति से उसको उसने नीचे खींचा ताकि उसके बीच में जो शिशु पड़ा था उसको दबोच ले। लोगों को यही लगा कि टेबल टूट गया, तो जैसे ही नीचे खींचा शिशु ने अपने पैर से उसको ऐसा लात मारा, छोटे से उसके उनके नन्हे जो चरण थे ऐसा लात मारा उसको कि उसके प्राण निकल गए। मतलब कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भगवान का लात पड़े, प्राण निकल सकते हैं। और जब उसके प्राण चले गए तो सारा टेबल जब टूटकर बिखर गया, सारे लोग आकर देखने लगे ये क्या हुआ ये क्या हुआ। आसपास कुछ रेंगते हुए बच्चों ने कहा
तो गूंगे लोगों की जो भाषा बच्चे कभी कभी बोल लेते हैं ना, पता नहीं उनके माँ बाप को समझ में आ जाती है, उन्होंने कहा है क्या बोल रहे हैं, ये कैसे करेगा, ये तो अभी पीठ के बल भी अभी लेट नहीं सकता, ये क्या कर सकता है, छोड़ो। लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत जितने भी बाबा बंगाली थे सबको बुलाया कि बाबा जी सबके सब आइए यहाँ पर, और अपना मंत्र वंत्र झाड़ना उड़ना जो भी है सब कीजिए। उस समय के जो होते थे ना बाबा जी सब, आजकल उनका बिल्कुल विपरीत स्वरूप में ये सारे बाबा जी बंगाली बाबा वगैरह घूमते रहते हैं। ये ओरिजिनल ओरिजिनल जो थे वो काफी सात्विक थे। उन्हें कहा जाता था ब्राह्मण, उस समय के सारे ब्राह्मण आए, कोई गोमूत्र लेकर आया, कोई गंगा जल लेकर आया, कोई हजारों नदियों का जल लेकर आया, कोई अमृत ले आया, सब जो है अपने मंत्र उंत्र सब उपचार करने लगे। माता यशोदा मन शांत हो गया, मेरा बच्चा अब ठीक है। उन्हें क्या पता था थोड़े दिन के बाद बकासुर आने वाला है। ना ना, उसके बाद तृणावर्त है, ये भी अजीब असुर भवंडर बन के आ गया। माता यशोदा ने सोचा ये क्या चल रहा है गोकुल में, पहले 12 महीने वाली कोई राक्षसी आती है वो मर जाती है, फिर एक टेबल भयानक रूप से टूट जाता है, असुर मर जाता है, सारे जितने भी ओझा आए थे उन्होंने कहा यहां पर कोई भूतिया शक्ति थी वो मर चुकी है, ये मर चुका है। उसके बाद ये भवंडर आ गया, मेरे ही कृष्ण को उठा कर लेकर गया, बाकी किसी को नहीं। बहुत सरल मन की माता यशोदा थी, उन्हें लगा कि ये वृंदावन जो है ना, गोकुल, ये जो गोकुल है ये मेरे कृष्ण के लिए शायद किसी की नजर लग गई। माता यशोदा ने वो नजर बट्टू उट्टू सब प्रयोग किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया, गाय के पूंछ से भगवान को पंखा किया, गौ माता के मूत्र से उनका अभिषेक किया, लेकिन उन्हें लगा कि ना अभी भी जो है संकट पे संकट आ रहा है। तो एक दिन वो नंद बाबा को लेकर बैठी और कहें कि देखो नंद बाबा, ये गोकुल जो भी है यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन अपने लाला को लेकर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तो जा रही हूँ, मैं मायके जा रही हूँ। नंद बाबा ने कहा मायके क्यों जा रही हो? अरे ना ना, यहाँ पर नहीं रहना है, अब गोकुल आपका घर यहाँ पर है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा और एक घर है वृंदावन में, एक काम करते हैं, सारे नंदों को बुलाता हूँ, सारे भानों को बुलाता हूँ, सारे वरिष्ठों को बुलाता हूँ, चर्चा करते हैं। तो गोष्ठी किया नंद बाबा ने, और इस गोष्ठी में सबने कहा बात तो सही है, हम भी कब से सोच रहे हैं कि गोकुल में ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कृष्ण पर इतना संकट आ रहा है, शायद जगह हमें बदल देनी चाहिए, कहाँ जाएंगे? तो सुनंद जी ने कहा वृंदावन जाते हैं, गायों के लिए अच्छे घास भी है, यमुना का तट भी है, बच्चे वहाँ पर अच्छे से खेल सकते हैं, सुरक्षित स्थान है, हमारे पूर्वजों को के आशीर्वाद से वो बड़ा ही सुरक्षित स्थान है, पुरातन हमारी हवेली भी वहाँ पर है, वहीं पर चलते हैं। तो सबके सब नंदगांव पहुँचे। अब नंदगांव पहुँचकर सबने सोचा कि यहाँ पर सुख शांति होगी, लेकिन कंस ने वहाँ पर भी भेज दिया बकासुर को। माता यशोदा थोड़ी सी चिंतित हो गई। इतने में तब तक भगवान जो है थोड़े बड़े हो चुके थे, 4-5 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। नंद बाबा ने गोष्ठी की और कहा
कि बच्चे बड़े हो गए, घर पर रहते हैं तो कुछ उधम उधम करते रहते हैं, क्यों ना हम इनको गौचारण के लिए भेज दें बाहर, कुछ सीख भी लेंगे, घर से ज़्यादा दूर रहेंगे भी नहीं तो उन पर ध्यान भी रहेगा, साथ ही साथ घर में कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेंगे ना। तो भगवान ने तो एक टोली शुरू कर दी थी, श्री कृष्ण बलराम माखन चोरी टोली, तो ऐसे ही बच्चा रहेगा तो गलत रास्ते पे चला जाएगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंधे पर कुछ डाल दिया जाएगा, कामकाज भी सीख जाएंगे बच्चे, गौचारण के लिए भेजते हैं बछड़ों के साथ, तो बछड़ों के साथ उन्हें गौचारण के लिए भेज दिया। तब कंस ने एक असुर भेजा, इस असुर ने बछड़े का स्वरूप धारण कर लिया। मतलब क्या ये सारे असुर भी देखिए, मतलब बुद्धि भी अगर मिली है तो क्या तेज बुद्धि मिली है। भगवान अगर बछड़ों के साथ है तो बछड़ा बन के कोई आ जाता है, भगवान अगर गोपी माताओं के साथ है तो कोई गोपी बनकर आ जाता है, क्या इनका कितना मेहनत है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं भगवान अगर कीर्तन करना चाहते हैं तो हम भी कीर्तन करें, हमारा मेहनत कभी काम आता है कभी फेल चला जाता है। ये असुर पता नहीं क्या इन्होंने रियाज किया, बछड़ों के साथ भगवान निकले तो एक बछड़ा बनकर आ गया असुर, और उसको नाम भी अच्छा मिल गया वत्सासुर, वत्स एक नंबर का बदमाश, उसको ना तो कहीं पर घास खाने की इच्छा है ना ही कहीं चरने की इच्छा है, वो तो खाली पूरे अपने आँख से खाली देख रहा था ये कृष्ण के ऊपर कब जाकर इतने जोर से सर से मारूं उसको कि उसका टाइटा फीस हो जाए, मतलब ऐसे टैंटन करके देख रहा था कृष्ण। भगवान ने बलराम जी से पूछा, बलराम जी दाऊ जी ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? बलराम जी ने पूछा कौन सा? कहना ये टैंडडैन। आज से 5000 वर्ष बाद जितने भी सीरियल में वो डरावनी म्यूजिक आती है ना टैंडडैन, ये अब कहाँ से आ रही है? लगता है हमारे सीरियल में कोई खलनायक आया है। दाऊ जी ने कहा कन्हैया तेरा बड़ा भाई हूँ तुझसे थोड़ा तेज, मेरे भी ध्यान में आ गया है, इतने सारे बछड़े यहाँ पर हैं सब एक से एक देखो कितने मासूम दिख रहे हैं, लेकिन ये जो खड़ा है बीच में एक नंबर का दुष्ट लग रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तेरे साथ रहकर ऐसा हो गया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है ये कि ये नटखट नहीं है ये दुष्ट है। कहने का भैया भाई भाऊ काहे मनता है, आने वाले अनंत काल तक लोग मुझे यही बोलेंगे कि दाऊ ने ऐसा बोला मेरे बारे में, ना 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 मैं बोल रहा था कि ये नटखट बहुत लग रहा था मुझे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक नंबर का ये बदमाश है। कृष्ण ने कहा दाऊ क्या किया जाए इसके साथ? बलराम जी ने कहा मुझे क्या पता, अभी तक तो सब तू सिंगल हैंडेडली कर रहा था, कभी मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया, वो पूतना ही अकेले उसको मार दिया, शकटासुर आया उसको अकेले मार दिया, घासुर आया तृणावर्त आया उसको भी तूने अकेले मार दिया। तो कृष्ण ने कहा तो आप तो हमेशा वेकेशन पर चले गए थे ना, वो सब तो मेरे ऊपर ही आक्रमण कर रहे थे। बलराम जी ने कहा ये भी बात सही है, आज लेकिन हम दोनों साथ हैं। कृष्ण ने कहा दाओ लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इसकी दोनों आंखें जो है सिर्फ मुझ पर टिकी हुई हैं। बलराम ने कहा तू है ही इतना हैंडसम, सबकी आंखें तुझ पर ही टिकी रहती हैं।
तू तो मेरा छोटो सो मदन मोहन छे। तू मेरा प्यारा सा मदन मोहन है। इतना प्यारा, इतना सुंदर। भगवान ने कहा, दाऊ बात ऐसी है ना कि मेरी कथा चल रही है औरंगाबाद इस्कॉन औरंगाबाद में, और जो कथावाचक है वो अपना टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो आगे क्या करने वाले हम दाऊ, ये हम ना अगले सप्ताह करते हैं। तो आगे भगवान ने उस असुर के साथ क्या व्यवहार किया ये जानने के लिए अगले सप्ताह जरूर आइए। तब तक के लिए कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।